नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS Competition Point 9456। आज जो हमारा सेशन है वो बहुत अहम सेशन है जिस पर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपका इतना ढेर सारा प्यार देखकर हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, हम लोगों को ज़्यादा और उत्साह पैदा होता है जिससे कि आप लोगों को हम अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड करा सकें। और इसी डाटा के चलते आज जो हमारा वीडियो है, यह वीडियो जो है वह ज्योग्राफी का है। इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर ज्योग्राफी पे कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो है अक्सर पूछने को मतलब पूछे जाते हैं। तो उसी के चलते जो है आज जो हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है वो है आपकी गंगा नदी, जिसे हम कहते हैं गंगा नदी तंत्र। ये बहुत अहम टॉपिक है। अब देखिए, ऐसा होता कि बहुत सारे बच्चे जो है, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं कहीं से कैसे ना कैसे तरीके से अपने हर तरीके के सोर्सों से इसको पढ़ रखा होगा। पढ़ने का मतलब ये होता है कि हम एक तो पढ़ते हैं और हमको बुक जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जैसे कि हमने ऐसा पढ़ रखा है। परंतु कुछ ये होता है कि हम बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जो है हम अच्छे तरीके से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। इसका मतलब यह है कि हम कभी भी पैटर्न के अनुसार काम नहीं करते। और पैटर्न के अनुसार काम ना करने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो क्या होता है? वो होता है कि हमारे जो पैटर्न हुआ है चेंज, अब जो हुआ है वो एग्ज़ाम पैटर्न जो हुआ है वो चेंज हो चुका है। क्यों हो चुका है चेंज? क्योंकि एक तो होता था हमारा ओल्ड पैटर्न, एक आपका हो चुका है न्यू पैटर्न। ठीक है, इन दो पे बात कर लेते हैं पहले कि क्या होते हैं। तो ऐसा होता कि ओल्ड पैटर्न जो होता था हमारा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था कि हिमालय की सबसे ऊंची या सबसे पहली हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या है, यह पूछ लिया जाता था कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। मगर अब जो है नए क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें क्या करता है कि नई करंट पॉलिसी जो होती है वो उससे मर्ज करता है। जितने भी हमारी नई पॉलिसी होती हैं उनसे उसको उस चीज़ को क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा टॉपिक को। तब हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ कहाँ से पूछ ली है। तो प्लस ओल्ड प्लस करंट अफेयर को ऐड करके हम दोनों चीज़ें मर्ज करके जब हम पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं बेहतर पढ़ा सकता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये भी नहीं कह सकता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ या मैं इससे अच्छा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपने इससे पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ रखा है, मैं इससे अच्छे टीचरों से पढ़ रखा है। परंतु आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आज पूरा गंगा नदी तंत्र प्रणाली को पूरी तरीके से आज कंप्लीट करेंगे। एक ही क्लास में हम इसको पूरी करेंगे। पूरा सेशन कराने के बाद ही मैं अपना जो है सेशन समाप्त करूंगा, और जिसमें आपको फिर पढ़ के जब पता चलेगा कि हाँ ज्योग्राफी क्या चीज़ होती है। मैं आपके सामने आज जो ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे फैक्ट आपके सामने लाने वाला हूँ जैसे कि आपको लगता होगा प्रैक्टिस सेट्स वगैरह जितने भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं कि उनमें ये क्वेश्चन, हाँ ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। फिर एक ये होता है कि हम किसी भी टॉपिक को याद कैसे रखें। सबसे पहली बात ये भी होती है ना कि हम किसी टॉपिक को याद कैसे रखें। ठीक है, तो हमारा जो होता है वो होता है करंट अफेयर्स। नए में नया जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा एक में होता है करंट अफेयर्स ऐड किया होता है, और जितनी भी हमारी पॉलिसीज होती हैं वो भी हमारी इसमें मेंशन की जाती हैं। जबकि ओल्ड पैटर्न जो होता था एग्ज़ाम का वो होता था केवल फैक्ट पर आधारित होता था। तो हम जो है ये देखेंगे कि ओल्ड पैटर्न भी हो जाए कंप्लीट और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ से बात कर लें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, शुरू करते हैं इसमें। और हाँ, आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद पहली बार ऐसा रियलाइज होगा कि हाँ आज हमने कुछ नई चीज़ों को या किस तरीके से हमें पढ़ना होता है ज्योग्राफी को। जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट हमको दे सकते हो। ठीक है, तो इसी के चलते हम आगे अपना सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हम पूरा टॉपिक करने वाले हैं गंगा, और गंगा नदी से पहले नदी देख लेंगे। नदी बोले तो रिवर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोग बिल्कुल भी टॉपिक से या पूरे क्लास से या पूरे मतलब सेशन से इधर उधर भी बिल्कुल नज़र मत हटाना। क्योंकि अगर आपने इधर उधर भी थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हुआ तो शायद पूरा टॉपिक निकल जाएगा।
क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चों का ये मानना होता है कि सर हमें जीएस याद नहीं रहता, तो जीएस को याद रखने के लिए ना एकाग्रता के साथ एकदम पूरा फोकस करने के साथ जब हमको पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो करते हैं रिवर। रिवर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नदी, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नदी। पहली बात ये आती है, आप जो है जो भी जब भी आपको मैं कोई लेक्चर लूँ या कोई भी आपको मैं सेशन ले रहा हूँ तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है मगर जो कुछ बातें होती हैं उनको जब आप ऐड करोगे, जब आप ऐड करोगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ जो नोट्स होगा ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपके लिए जो होगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि इसकी क्या परिभाषा होती है। पहले परिभाषा कहते हैं, तो इसके लिए हम कह सकते हैं पानी की वह प्राकृतिक, पानी की वह प्राकृतिक धारा, धारा पानी की वह प्राकृतिक धारा, सॉरी बहते हुए पानी की, यहां पर एक मिनट, नदी की परिभाषा क्या होती है, बहते हुए पानी की वह प्राकृतिक, प्राकृतिक धारा, धारा नदी कहलाती है, नदी कहलाती है। तो देखिए ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ये क्या हो चुकी है इसकी परिभाषा, यानी कि रिवर जिसे हम बोल रहे हैं तो बहते हुए पानी की वह एक प्राकृतिक धारा, उसे हम क्या कहते हैं, नदी। अगर यहाँ पर ही प्राकृतिक के जगह पर, अगर यहाँ पर प्राकृतिक के जगह पर, अगर यहाँ पर कृत्रिम होता, अगर यहाँ पर प्राकृतिक के जगह पर स्थान पर अगर हम यहाँ पर कृत्रिम का प्रयोग कर लें तो फिर ये क्या हो जाएगी, नहर हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसका, नहर हो जाएगा। तो शुरू करते, देखिए पूरी एक एक बात करके करेंगे, आज आपको लगेगा कि हाँ इसमें पूरा एनसीईआरटी, पूरा मतलब स्टैंडर्ड बुक्स सारा आपको इसी टॉपिक से मिल गया, ठीक है, सारा आपको इसी टॉपिक से मिल चुका है। तो हम यहाँ बात करते हैं बहते हुए पानी की वह धारा, वह प्राकृतिक धारा क्या कहलाती है, नदी। तो प्राकृतिक धारा जो कहलाती है वो कहलाती है नदी। अगर यहाँ पर ये आ जाए कृत्रिम, तो कृत्रिम क्या होती है, नहर, जो कृत्रिम तरीके से होती है वो क्या होती है आपकी, नहर, ठीक। अब ये तो होगी नदी की परिभाषा। अब हम यहाँ बात करते हैं इसी के साथ साथ, इसकी इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेज क्या है इसके, यानी कि एडवांटेज, मैं अंग्रेजी और हिंदी में कोशिश करूँगा पूरा करने की, मगर फिर भी हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं हमारे साथ तो हम लिखेंगे हिंदी में, थोड़ा बातचीत जहाँ भी होगी तो शब्द अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको मैं अंग्रेजी में आपको बता सकता हूँ। तो एडवांटेज मतलब क्या होता है कि एडवांटेज ऑफ रिवर, हम क्या बोल सकते हैं, एडवांटेज ऑफ रिवर बोल सकते हैं, यानी कि नदियों के लाभ, रिवर्स बोल, सॉरी एडवांटेज ऑफ रिवर्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, नदियों के लाभ, नदियों के लाभ, इसको हम कहते हैं एडवांटेज ऑफ रिवर्स, एडवांटेज ऑफ रिवर्स बोल सकते हैं, ठीक है, एडवांटेज ऑफ रिवर्स बोल सकते हैं, इसे कह सकते हैं नदियों के लाभ। तो हमारे नदियों के लाभ किस प्रकार के होते हैं, तो देखिए हमें कुछ आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। पहला लाभ हमारा क्या हो सकता है कि पीने का पानी, पीने का पानी उपलब्ध कराना, पीने का पानी उपलब्ध, पीने का पानी उपलब्ध कराती है, यानी कि नदी जो क्या होती है वो पीने का पानी उपलब्ध कराती है, जिसे हम कह सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या कह सकते हैं, सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हम इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंचाई का पानी, यानी कि दूसरी अगर हम बात करें तो क्या कर सकती है, सिंचाई, सिंचाई का पानी, सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है, दूसरा लाभ क्या हो सकता है हमारा, सिंचाई का पानी उपलब्ध करा सकती है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जो हम बोल सकते हैं वो कह सकते हैं जल विद्युत उत्पादन, क्या कह सकते हैं, जल विद्युत उत्पादन। तो जल विद्युत उत्पादन भी करती हैं हमारी नदियाँ, हमारी जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जल विद्युत उत्पादन भी करती हैं। और हम अगर यहाँ से कहें तो उपजाऊ मिट्टी, क्या कह सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी भी, उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी भी हमको उपलब्ध कराती है। उपजाऊ मिट्टी की अगर हम बात करें तो किस तरीके से होता है कि देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये जो है भारत के लगभग 43, यानी कि भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और लगभग 43 एरिया को जो है ये मिट्टी
कवर करती है। तो यहाँ से इतना बात आ जाएगा कि पीने का पानी उपलब्ध कराती है, सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है, जल विद्युत उत्पादन का कराती है, और उपजाऊ मिट्टी जिसे हम कह सकते हैं फर्टिलाइज सोल, क्या कह सकते हैं फर्टिलाइज सोल कह सकते हैं। फिर इटेबल फूड्स जो होते हैं हमारे, इटेबल जो फूड्स होते हैं, यानी कि इटेबल फूड्स हमें यहाँ से प्रोवाइड कराती है। इटेबल फूड्स की अगर हम बात करें तो क्या करती है ये, मछली भी हमको, जैसे खाने में हम मछली का प्रयोग कर सकते हैं, तो इटेबल फूड्स के रूप में मछली को भी ये उपलब्ध कराती है। फिर हमारे यहाँ पर स्टोन एंड सोल, यानी कि ऐसा कह सकते हैं हम यहाँ पर पत्थर स्टोन्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि हम इस पर क्या कर सकते हैं, ये हमें पत्थर भी और बालू, पत्थर और बालू भी हमें ये उपलब्ध कराती है। ठीक है, पत्थर और बालू भी हमें उपलब्ध कराती है। अब देखिए ये तो हो गए हैं हमारे अकॉर्डिंग लाभ। ठीक है, ये क्या हो चुके हैं, लाभ हो चुके हैं नदियों के। ठीक है, नदियों के जो लाभ हो गए, अभी हम नदी नहीं पढ़ रहे, गंगा नदी नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं नदियाँ। ठीक है, नदी की परिभाषा हो चुकी है, बहते हुए पानी की बह प्राकृतिक धारा नदी कहलाती है, और कृत्रिम धारा अगर आ जाएगी तो क्या कहलाई जाएगी, कृत्रिम धारा अगर आ जाएगी तो क्या कहलाई जाएगी, नहर। तो नदियों के जो लाभ होते हैं वो क्या होते हैं, वो पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन कराती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराती है, उपजाऊ मिट्टी जिसमें जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है हमको। ठीक है, मछली उत्पादन की इटेबल फूड्स वगैरह जो हमें उपलब्ध कराती हैं, और पत्थर और बालू, ठीक है, इस चीज़ से भी हमें उपलब्ध कराती हैं। अब पत्थर बालू का मतलब यहाँ पर है हमारा कि इनका प्रयोग जो किया जाता है इमारतों में किया जाता है, इमारत बनाने में, इमारतों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, इमारतों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो चुके हैं हमारे लाभ, अगर हम यहाँ से देखें ये तो हो चुके हैं लाभ। अगर हम देखें कि नदियों से क्या होता है, तो प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों की जो है वो हमारी कुछ नुकसान भी देती हैं, हमें नदियाँ जो है वो क्या देती हैं, नुकसान भी देती हैं। चलिए, तो ये तो हो चुके थे हमारे लाभ, अब हम देखते हैं कि हमारे जो इससे नुकसान होता है या हानि जो होती है या हमें जो परेशानी होती है नदियों से वो क्या होती है। तो हम इसे कह सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं हानि या नुकसान किससे, नदियों से होने वाले नुकसान भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर्स बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें। तो देखिए क्या हो सकता है, पहली बात हो सकती है बड़े डैम को कह सकते हैं बांध। बड़े डैम जो होते हैं ये बनेंगे तो पानी रुक कर जाएगा। ठीक है, पानी रुकेगा तो पानी गंदा होगा। ठीक है, तो ये इससे क्या है, एक नुकसान भी है कि जब नदियों पर बड़े बड़े डैम बनते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा पानी जो है गंदा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कूलर में रुका हुआ पानी भी, वो ठहरा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, तो नदी है, समझ गए नहीं। तो क्या है कि यहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाने से क्या हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, और इसके लिए ही USA ने 1948 में जो है पॉलिसी शुरू करी थी, जो परियोजना थी डैम परियोजना के लिए। ठीक है, कि बड़े डैम जो है उनको कम किया जाए, जो बड़े बांध हैं उनको कम किया जाए। तो हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं यहाँ से। फिर अगर बात करें तो हम कह सकते हैं वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि घरेलू अपशिष्ट। हम क्या लिख सकते हैं, घरेलू अपशिष्ट। ठीक है, ये भी हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि नदियों में घरेलू अपशिष्ट हो जाते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, और नदियां जो है एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान तक घरेलू अपशिष्ट को लेकर चले जाते हैं। और जिसके रूप में अगर हम बात करें तो एक प्रॉब्लम को जोड़ सकते हैं सीवेज को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर हम बात करें यूपी की, अगर अलग अकेले एक यूपी की बात करें तो 7.51 टन जो आपकी है पर डे यूपी से सीवेज उत्पादित होता है, तो कितनी मतलब बड़ी दिक्कत है। ठीक है, फिर अगर कह सकते हैं तो औद्योगिक प्रदूषण इसी से फैलता है, कि है औद्योगिक प्रदूषण भी इसी से फैलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्या मतलब क्या होता है, कि जितने भी हमारी पीतल कंपनी है, स्टील पीतल वगैरह जो होती हैं, जैसे जमशेदपुर में है, आपकी कन्नौज में है, तो वहाँ से जितना भी अपशिष्ट होता है वो नदियों में वो ढकेल देते हैं, और नदियाँ जो होती हैं तो उसको एक स्थान दूसरे स्थान या पानी को जो है वो गंदा कर देती हैं यहाँ से। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें तो प्लास्टिक, क्या कह सकते हैं हम इसको, प्लास्टिक प्रदूषण हम कह सकते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण भी कह सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण जो है वो चीन की
विश्व में सबसे ज़्यादा जो है वो चीन की नदी है, एक आपकी यांगसी नदी, टी यांगसी जो है वो आपकी नदी है, यांगसी नदी जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है प्लास्टिक प्रदूषण या प्लास्टिक पाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से उसे प्लास्टिक नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? प्लास्टिक नदी भी कहा जाता है। तो देखिए, एक तो होता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है, ये नदियों की हो सकती है प्रॉब्लम एक। अब एक प्रॉब्लम जो होती है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी नदियों से, जो हमें प्रॉब्लम है, एक क्या होता है सबसे बड़ा नुकसान, क्या होता है? विवाद। क्या होता है? विवाद, जिसे हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्यूट कह सकते हैं। डिस्प्यूट क्या कह सकते हैं हम? इसे डिस्प्यूट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? डिस्प्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होते हैं हमारे? ये हमारे होते हैं विवाद, ठीक है, इसे हम डिस्प्यूट बोलते हैं। अब देखिए, विवाद जो होते हैं ना, पानी के दोहन से होते हैं। किससे होते हैं? पानी के दोहन से, पानी के दोहन से। यानी डिस्प्यूट जो होगा वो किससे होगा? पानी के दोहन से। अब ये डिस्प्यूट जो होंगे, पानी का दोहन जो होगा, ये किस प्रकार से होगा? ये दो प्रकार से होता है, ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है हमारा स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है। यानी कि स्टेट टू स्टेट होता है विवाद, और एक होता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है। दो प्रकार के हमारे विवाद होते हैं, यानी कि दो से अधिक देशों के बीच, या दो से अधिक राज्यों के बीच जब विवाद होता है तब। तो अब बात आती है हमारी सबसे अच्छी, कि जो हमारा होता है स्टेट टू स्टेट, तो इसके लिए एक पैनल बनता है, इसके लिए एक पैनल बनता है जिसे हम कहते हैं आई आर, मैं एक बार देख लेता हूँ इसको क्या होता है। इसका होता है एक डिस्प्यूट होता है आई आर डब्ल्यू डी ए, ठीक है। एक ये एक पैनल बनता है जिसका मतलब होता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसका मतलब होता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। तो इसको मैं लिख देता हूँ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। एक ही विवाद होता है, एक होता है कंट्री टू कंट्री। इसका जो होता है, अब क्या होता है इसमें पैनल बनता है, क्या बनता है? एक पैनल बनता है, और ये पैनल जो बनता है वो कितने लोगों का बनता है? 6 लोगों का बनता है। तो दो राज्यों के बीच, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ जाएगा, दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद को कौन सा पैनल मतलब उसका मतलब फैसला करता है, या कौन उसका निर्णय करता है? तो उसका मतलब होता है IRWDA, यानी कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ये इसको क्या है मतलब विवाद को निपटाता है, और इसमें 6 सदस्य होते हैं, और इसी के निर्णय को, IRWDA के निर्णय को जो है हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई हमारी बहुत अच्छी वाली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हम हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी, कि जो कंट्री टू कंट्री विवाद होता है, तो उसके लिए कौन करता है कंट्री टू कंट्री के लिए विवाद जो करेगा आपका, वो ICJ कौन करता है? ICJ, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है इस विवाद का निपटारा। तो आपको दो विवाद हो चुके हैं, जिससे हम कह सकते हैं स्टेट टू स्टेट विवाद कौन करता है? IRWDA, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। जबकि कंट्री कंट्री विवाद कौन निपटाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू होता है, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू होता है, वर्ल्ड बैंक के अधीन ये आता है। तो फिलहाल में आप ये बताइए, इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई है, नहीं आ चुकी है, ठीक है। अभी जब हमने करा है, क्या काम करा है, रिवर नदी की परिभाषा हो चुकी है, हमने जो रिवर है या नदी की परिभाषा हो चुकी है, नदियों के लाभ हो चुके हैं और नदियों के जो नुकसान है वो हमने बता दिए हैं। तो ये हमारी अभी कंडीशन हो चुकी है ये, ठीक है। चलिए इससे आगे देखते हैं कि इससे आगे कंडीशन क्या है, ठीक है, इससे आगे कंडीशन क्या है। देखिए, आप आराम से बिल्कुल बहुत ही आसानी के तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप संयम रखो, मैं आपको पूरे मैपिंग से, यानी कि गंगा नदी को पूरा मैप बनाऊंगा, और पूरे मैप के अकॉर्डिंग जो है आप हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ नदियों की विशेषता और गंगा नदी की भी कुछ विशेषता जो है हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दूँ। चलिए, अब जो हम चलते हैं, हम सीधे चलते हैं गंगा नदी तंत्र के ऊपर। अब जो हम चलते हैं वो क्या चलते हैं? गंगा नदी तंत्र के ऊपर चलते हैं, कि क्या है गंगा नदी तंत्र।
अभी हमने नदी के बारे में देख लिया है, नदी के बारे में मतलब क्या देख लिया है कि नदी की परिभाषा क्या होती है, नहर की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। और हमने फिर इसके बारे में देख लिया है कि इसके बारे में हमने ये देख लिया है कि हमारा ये जो होता है कि गंगा नदी के हमारे फ़ायदे क्या होते हैं, नदी के या नदियों के फ़ायदे क्या होते हैं और नदियों के नुकसान जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। ये है आपका गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अब हम इसको कह सकते हैं गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात ये क्या है, सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी है, क्या है ये, भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। ये इसे कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कह सकते हैं इसको। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो पहली विशेषता इसकी हो चुकी है। फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, स्वतः स्वच्छ होने वाली विशेष, क्या है ये, स्वतः स्वच्छ। दूसरी क्या बात है, स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी, यानी कि दूसरी क्या बात हो चुकी है, स्वतः स्वच्छ होने वाली ये नदी भी है, यानी कि क्या है, सेल्फ प्योरीफाइंग, क्या कर सकती है ये, सेल्फ प्योरीफाइंग ऑफ रिवर, ठीक है, सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर, इसे क्या कह सकते हैं हम, स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी भी इसको कह सकते हैं, दूसरी बात ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। तो देखिए इसमें एक जो होता है, आपको पता होगा, मैंने ऑफलाइन क्लास में भी इसकी बात करी, इसमें एक वायरस होता है, इसमें क्या होता है, एक वायरस होता है, ठीक है, एक वायरस होता है जिसका नाम जो होता है बैक्टीरियोफेज होता है, क्या हो रहा है, होता है बैक्टीरियोफेज, क्या होता है भैया, बैक्टीरियोफेज, एक बैक्टीरियोफेज नाम का क्या होता है, वायरस जिसे हम कह सकते हैं, क्या होता है, क्या कह सकते हैं, विषाणु कह सकते हैं, बैक्टीरियो ऑफ फेज, ठीक है। क्या होता है ये, क्या होता है भैया, जल्दी बताइए, ये होता है आपका विषाणु, बैक्टीरियोफेज नाम का एक विषाणु होता है, क्या काम करता है ये, क्या काम करता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है, ये काम क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है ये मारता है। तो पहली बात ये कि भारत की सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसमें क्या है, सेल्फ प्योरीफाइंग ऑफ रिवर, सॉरी सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर, यानी कि स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, और इसमें एक वायरस पाया जाता है जिसको हम कह सकते हैं बैक्टीरिया फेज, और ये क्या करता है, एक विषाणु होता है, और बैक्टीरिया को क्या करता है ये किल करता है, क्या करता है, इसे मार देता है। अब बात करते हैं हम इसकी बात कि ऐसा इसमें क्यों होता है, ऐसा इसी नदी में क्यों होता है, ऐसा इसी नदी में क्यों होता है, बताइए ऐसा इसी नदी में क्यों होता है और नदियों में क्यों नहीं होता। तो मैं मानने की बात यह है कि इसमें बताया जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है भैया इसमें, वो ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसको हम इन्वायरमेंट में क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम DO, ठीक है, DO के नाम से भी इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, तो इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और जब जहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी तो तुम्हें पता है वहाँ पर क्या होगी, जीव जंतुओं के लिए फ़ायदेमंद होती है, ठीक है, और यहाँ पर इसका प्रयोग जो है मछलियों के लिए होता है, मछली ज़्यादा होती है, मछली भी कौन सी ज़्यादा होती है, अगर मछली ज़्यादा होती है तो मछली भी कौन सी होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए, तो डॉल्फिन, कौन सी मछली ज़्यादा होती है यहाँ पर डॉल्फिन मछली ज़्यादा होती है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 25 है, स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, इसमें एक वायरस पाया जाता है जिसे बैक्टीरिया फेज कहते हैं, विषाणु होता है जिसमें कि बैक्टीरिया को किल करता है, यानी किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है जिसे हम डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, जिसके कारण ये मछलियों के प्रयोग के लिए ज़रूरी होती है। अब मछलियों में भी सबसे ज़्यादा कौन सी मछली पाई जाती है, यहाँ पर डॉल्फिन को ये सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए इतनी बात यहाँ से हमारी हो चुकी है, क्लियर, इतनी बात हमने यहाँ से कर ली है, इतनी बात हमने सीख ली है। अब हम इससे आगे देखते हैं कि हमारे आगे क्या पॉइंट और बन सकते हैं इससे, ठीक है, इससे हम क्या पॉइंट बन सकते हैं नदी से। अभी हम इसकी विशेष जानकारी की बात कर रहे हैं, अभी चित्र नहीं है, अभी हमारा ये चित्र नहीं है,
तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका ओरिजिन जो होता है वो कहाँ से होता है, यानी कि इसका जो ओरिजिन होता है गंगा नदी का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है। ओरिजिन मतलब उद्गम, उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है। तो ओरिजिन जो होता है वो कहाँ से होता है या उद्गम कहाँ से होता है वो हम देख लेते हैं। तो वो कहाँ से होता है, यूके। यूके मतलब उत्तराखंड। कहाँ से होता है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद में ये फिर कहाँ आती है, फिर आती है आपकी यूपी में। कहाँ पर आती है, यूपी। यूपी के बाद में ये कहाँ आती है, इसके बाद में आती है ये बिहार में, ठीक है। बिहार के बाद में कहाँ पर आती है, ये आती है झारखंड में, ठीक है। झारखंड के बाद में ये कहाँ पर आती है, ये आती है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर आती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करें कि यूके से लेकर और कहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक, तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है उत्तराखंड से होता है और कहाँ तक रहती है, वेस्ट बंगाल तक, यानी कि भारत के भारत में। तो ये कितने स्टेट होते हैं, 5 स्टेट, यानी कितने स्टेट से होकर गुजरती है, ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कई बार कुछ बच्चों को ना झारखंड याद नहीं रहता, ठीक है, झारखंड में सोचते हैं कि झारखंड से नहीं निकलती नदी, और 4 राज्य ही लगा देते हैं परीक्षा में। जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कितने राज्यों से होकर ये नदी बहती है गंगा, तो हम लगाते हैं 4, जबकि कितनों से होकर गुजरती है, 5 से। झारखंड की बात करें, झारखंड में एक जगह है साहेबगंज, वो जगह मैं लिख देता हूँ, क्या है, साहेबगंज एक जगह है जहाँ पर ये नदी होकर बहती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि किस राज्य से होकर गुजरती, मतलब किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, और झारखंड भी दिया हो, तो ये आपको होना चाहिए झारखंड से भी गुजरती है। तो क्या क्या है आपका, यूके, यूपी, और आपका बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इतने से होकर गुजरती है, ठीक। अगर हम इससे आगे बात करें तो ये क्या करता है, इसको बांग्लादेश में जो है वेस्ट बंगाल के बाद में, अगर हम इसके बाद में देखें तो वेस्ट बंगाल के बाद में कहाँ चल जाती है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, और इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। पद्मा कहा जाता है, अभी कोई मैप नहीं है ये, तो अभी आपको बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, ठीक है। पद्मा कहा जाता है, और पद्मा में जब जमुना आके मिल जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है फिर, इसका नाम हो जाता है मेघना। इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम रहता है गंगा, यानी कि यूके से लेकर, यूके में भी कहाँ तक, देवप्रयाग तक, देवप्रयाग, अभी बताएंगे इनके बारे में क्या होता है, देवप्रयाग से लेकर और कहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक, इसका नाम होता है गंगा। और जैसे ही वेस्ट बंगाल से ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है, इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है, और पद्मा के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना, जमुना के साथ मिलकर, यानी जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है उधर से, ठीक है, असम के साइड से, तो वो भी बांग्लादेश में एंटर करती है, और उसे जमुना नाम कहते हैं बांग्लादेश में, और इसके साथ मिलकर पद्मा के साथ सुंदरबन डेल्टा के पास में इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना, ठीक है। जब ये नदी कोलकाता की तरफ जाती है, कोलकाता की तरफ जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है हुगली, हुगली, क्या नाम हो जाता है, हुगली। तो ये हुगली नाम भी इसी का है, ठीक है। तो ये तो बात आ गई यहाँ से। अगर अब हम बात करें इसकी, तो लगभग इसका अव्वा तंत्र जो है, इसका जो अव्वा तंत्र है गंगा नदी का, जो अव्वा तंत्र है, अपवाह तंत्र, जो गंगा नदी का अव्वा तंत्र है, वो कितना है, अगर हम बात करें कितने प्रतिशत एरिया कवर करता है, तो यहाँ से आपका 26.2% एरिया जो है ये कवर किया जाता है। कितना एरिया कवर किया जाता है, 26.2% एरिया कवर किया जाता है। अगर हम बात करें कि इसको कितने राज्यों से होकर इसका अव्वा तंत्र गुजरता है, कितने राज्यों से, देखिए एक तो क्वेश्चन ये बन गया हमारा, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें अव्वा तंत्र कितने राज्यों से होता है, तो 15 स्टेट्स जो होते हैं हमारे, ये हमारे जो है 15 स्टेट्स जो हैं, इनसे होकर ये नदी गुजरती है। इसका अव्वा तंत्र जो है वो 15 राज्यों से इसका है, ठीक है। इसी के चलते इतनी इतनी विशेषता होने के बाद, इसमें क्या है कि सेल्फ प्योरीफाइंग सिस्टम है, ठीक है, और सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, और ये क्या करती है, मतलब बैक्टीरिया को किल करती है, और ये इतना राज्य से गुजरती है, इसमें स्वयं अपने आप को स्वेथा स्वच्छ करने की शक्ति वो है, पावर है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, सारी चीज़ों को देखकर 2008 में, इसको 2008 में नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं, क्या, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय नदी, यानी कि भारत की राष्ट्रीय नदी, इसको क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। तो 2008 में इसको क्या कर दिया गया, भारत की राष्ट्रीय नदी, इसको घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी जानकारी जो है अभी तक जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और शायद ये जानकारी जो है आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है वो हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक जितना भी डाटा हमने बताया है उसको बड़े आराम से समझना आप लोग, ठीक है। अब हम सीधे जो है मुद्दे पर आएंगे, और सीधा जो हम इसका क्या करेंगे, मैप ड्रॉ करेंगे, हम जो सीधा करेंगे वो मैप ड्रॉ करेंगे। देखिए मेरा क्या होता है, समझिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ फिर बताता हूँ इसके बारे में क्या होता है।
मेरा एक पढ़ाने का एक अलग तरीका है। वो तरीका क्या है मेरा पढ़ाने का कि मैं अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी में खासकर, अगर मैं ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो अगर मान के चलिए कि टॉपिक कोई भी हो, अगर कोई भी हमने टॉपिक पढ़ाया तो मैं सबसे पहले उसकी बात करता हूँ परिचय। हम उसकी बात करते हैं पहले परिचय की। परिचय के बाद में हम देखते हैं कि उसका मतलब वो चर्चा में क्यों रहता है, चर्चा में क्यों है, ठीक है। चर्चा में क्यों होने के बाद में फिर उसकी विशेष जानकारी क्या होती है, विशेष जानकारी, विशेष जानकारी हम बात करते हैं। उसके बाद में हम करते हैं मैप। हम क्या करते हैं, मैप, मैप ड्रॉ करते हैं, यानी कि मानचित्र। हम क्या करते हैं फिर, मानचित्र। और मानचित्र के बाद में जो है वो सारे आपके फैक्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फैक्ट। सबसे सारे क्या लेंगे आपके, फिर ले लेंगे आपके फैक्ट, ठीक है। फिर फैक्ट ले लेंगे, फैक्ट के लिए फिर जो हमारे प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि जितने भी विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं, विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं, फिर वो प्रश्न ले लेंगे। और फिर आपके डाउट्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, फिर आपके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। आपके जो है डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। आपके फिर क्या ले लेंगे, डाउट्स ले लेंगे यहाँ से। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, कोई भी टॉपिक पढ़ाओ सबसे पहले हमें परिचय पढ़ना है, फिर चर्चा में क्यों है, फिर विशेष जानकारी इसकी क्या है, और मैपिंग की अगर हम बात करें फिर मानचित्र बनाएंगे, और फिर फैक्ट ले लेंगे इसके कि फैक्ट क्या होते हैं। फैक्ट निकालते रहेंगे मैपिंग से फैक्ट निकालते रहेंगे, और फिर विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बात कर लेंगे, और फिर आपके डाउट्स ले लेंगे। तो अगर इस तरीके से आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर तो आपका बिल्कुल आप एकदम क्या हो जाओगे, उसमें जीनियस हो जाओगे फिर, तो समझ गए। फिर आपका क्या हो जाएगा, आप बन जाओगे उसमें जीनियस, ठीक है। क्या बन जाओगे आप उसमें, जीनियस बन जाओगे, ठीक है। चलिए तो अब हम मैप ड्रॉ करते हैं। अब हम सीधे इसके मैप पर आते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अभी तक जो जानकारी थी अभी तो केवल खास जानकारी नहीं थी इतनी, बस परीक्षाओं में, अच्छी परीक्षाओं में यहाँ तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। मगर अब बात आती है कि रिवर नदी क्या है हमारी, या रिवर या नदियाँ हमारी क्या है, उनमें भी क्या है आपका कि गंगा नदी क्या है, ठीक है। चलिए तो गंगा नदी की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गंगा नदी। तो देखिए गंगा नदी में यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ मैं इसको कि आपको ये चीज़ दिख रही है या नहीं दिख रही है यहाँ, ठीक है। देख लेते हैं इसको कि आपको यहाँ तक का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए तो ये क्या है आपका कि यहाँ पर हम अगर देखें सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक सतोपथ ग्लेशियर है। वो क्या है आपका, सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। सतोपथ ग्लेशियर ये है आपका, ठीक है। देखो मैं थोड़ा आपको एक ही तरीके से लिखूंगा क्योंकि कुछ बातें बोलूंगा, आप भी अपने मैप में जो है थोड़ा सा जो भी अपना बनाओ, कॉपी पेंसिल लेकर बैठो। और देखिए मैं चाहता तो इसको मैप को पूरा ड्रॉ करके पहले, ठीक है, चित्र बनाकर उसके बाद माँ का सब बता देता, ठीक है। और जितने भी करते हैं सभी टीचर की पहले मैप बना देते हैं बोर्ड पर, उसके बाद माँ का सब चीज़ों को बता देंगे इनको। तो मैं चाहता तो मैं भी ऐसा कर सकता था कि पहले मैप बनाकर आपको और उसके बाद माँ आकर और सारी बात को बता देता, परंतु उससे मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि जब तुम मेरे साथ इस चीज़ को करोगे, मेरे साथ साथ अगर मैप ड्रॉ करोगे तो उसमें जो है ना वो आपको फील करेगा, वो क्या करेगा आपको फील करेगा, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगेगा उसको पढ़ने में, ठीक है। सतोपथ ग्लेशियर है, ठीक है जी। तो यहाँ से और इसी के पास में जो है, इसी के पास में भैया यहाँ पर जो है एक गंगोत्री ग्लेशियर है। तो अगर आपको ये सही नहीं दिख रहा हो तो अपनी वीडियो की जो है क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। अपनी वीडियो की जो है वो क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि वीडियो क्वालिटी बढ़ाओगे तो शायद ये आपको स्पष्ट दिख जाएगा, वरना तो फिलहाल में मैं तो आपको बोल तो रहा हूँ, फिर आप हाथों हाथ अगर मैप बनाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, सतोपथ ग्लेशियर है, और नीचे क्या है आपको, गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। अब इस तरीके से ये आई यहाँ से नदी, और एक आपकी ये, और यहाँ पर आकर जो है ये एक जगह है देवप्रयाग, एक जगह है ये देवप्रयाग, और कहाँ पर है ये, यूके में, ये है आपका देवप्रयाग और कहाँ पर है, यूके में। तो ये जो नदी निकल कर आई है, ये जो नदी निकल कर आई, इसे कहते हैं भागीरथी, इसे क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, ठीक है। ये जो नदी निकल कर आई है इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं अलकनंदा, इसे कहेंगे अलकनंदा कहेंगे, ठीक है। ये जो निकल कर आई है नदी, ये क्या है, गंगोत्री निकल कर आती है भागीरथी, और यहाँ से जो है सतोपथ ग्लेशियर से निकल कर आ रही है आपकी अलकनंदा, ठीक है। और कहाँ आकर मिल जाती है, उत्तराखंड में
ये आपके गढ़वाल जगह जो है उत्तराखंड में, जो आपके गढ़वाल जगह है वहाँ पर क्या आ जाता है, देवप्रयाग में आकर ये दोनों नदी मिल जाती है। और यहाँ से आगे जो है वो क्या बनकर चलती है, ये गंगा बनकर चलती है। ठीक है, यहाँ पर एक नदी है, ये इसे कहते हैं भिलांगना। क्या नदी है ये? इसे कहते हैं भिलांगना। और यहाँ पर ही भिलांगना में जो है यहाँ पर एक टिहरी बांध बना हुआ है। यहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठे। ठीक है, कौन सा बांध बना हुआ है इसमें? टिहरी बांध बना हुआ है। तो अगर हम टिहरी बांध की बात कर लें, तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ अभी। अगर हम टिहरी बांध की बात कर लें तो 2006 में, 2006 में इसका निर्माण हुआ। 2006 में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। यह भारत व एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा बांध है, भारत और एशिया का ये सबसे ऊंचा बांध है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई जो है इसकी, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, यानी कि कहीं कहीं लिखा हुआ होता है 261 मीटर भी इसको देखने को मिल जाएगा। तो ऊंचाई इसकी 260 मीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो, अगर ये भारत में, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में ये पांचवा सबसे ऊंचा बांध है। पांचवा ऊंचा बांध है, जबकि विश्व में सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है? वो चीन का बांध है, जिनपिंग चीन का बांध है विश्व का सबसे ऊंचा। अगर हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है? जिनपिंग। इसकी ऊंचाई जो है वो 305 मीटर है। तो ये बात होगी हमारी एशिया और भारत का, यानी कि टिहरी बांध अगर हम बात करें 2006 में निर्माण हुआ था इसका। अब भारत और एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 260.5 मीटर है, 261 मीटर कह सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पांचवा बांध है, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है जिनपिंग है। ठीक है, और 305 मीटर का है। ठीक है, इतनी बात यहाँ से आ चुकी है। देखिए, जब टिहरी बांध बना था तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। एक व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने इसका विरोध किया था, जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ये वही हैं सुंदरलाल, इन्होंने क्या करा था, टिहरी बांध का विरोध किया था कि पहाड़ों पर दबाव ज़्यादा रहता है जिससे कि भूकंप आने की कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए उस बात को छोड़िए। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर हम बात करें तो शायद 1927 में इनका 9 जनवरी 1927 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 2021 में ये मतलब हमको छोड़कर चले गए हैं, और ऋषिकेश में इनकी जो है मृत्यु हो गई है, ऋषिकेश में इनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु। इतनी बात आपको याद रखनी है टिहरी बांध और सुंदरलाल बहुगुणा से, अगर याद रखना चाहो तो। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं हम। तो टिहरी बांध हो गया वहाँ पर, कौन सी नदी पर? भिलांगना नदी पर। आप इसको नोट करते रहना अपनी कॉपी पर, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाओगे जब भी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि क्या कंडीशंस बनी हैं और क्या आगे हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर एक जगह है, यहाँ से एक नदी निकलती है और इस तरीके से यहाँ पर आके मिल जाती है। यहाँ पर एक नदी निकलती है और यहाँ आके मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। ठीक है, और जहाँ अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है, ठीक है, उसे कहते हैं विष्णुप्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि पहला हो गया आपका देवप्रयाग। अब देवप्रयाग जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है? आपका अलकनंदा प्लस भागीरथी। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो चुका है? विष्णुप्रयाग। ये कहाँ पर? अलकनंदा प्लस धौली गंगा। इस तरीके से ये पंचप्रयाग भी हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बात करते हैं कि इसके आगे क्या है। तो इसके नीचे यहाँ पर एक नदी निकल कर आती है, यहाँ से एक नदी निकल कर आती है और वो आके यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर एक नदी आके मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं नंदाकिनी। क्या कहते हैं इसको हम नंदाकिनी। कौन सी नदी है ये? नंदाकिनी।
और यहाँ आकर इससे मिल जाती है, ठीक है, यहाँ आकर इससे मिल जाती है, इसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग, ठीक है, क्या कहते हैं? नंद प्रयाग, ठीक है, इसको लिख लेना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंद प्रयाग, ठीक है। नंद प्रयाग में कौन सी आकर मिलती है? अलकनंदा के साथ कौन सी मिलती है? नंदाकिनी। कौन सी नदी आकर मिल जाती है? नंदाकिनी, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास तीन प्रयाग हो चुके हैं, इसके बाद में एक नदी आती है आपकी पिंडा। एक कौन सी नदी आके मिलती है, निकलती है यहाँ से, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये आके इसमें मिल जाती है और यहाँ पर क्या बनती है? ये पिंडर नदी है। पिंडर कौन सी नदी है? पिंडर, ठीक है। तो पिंडर नदी, पिंडर नदी में यहाँ पर क्या आता है आपका? अगर हम बात करें पिंडर नदी में, तो यहाँ पर है कर्ण प्रयाग। क्या है आपका? कर्ण प्रयाग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्ण प्रयाग, आप इसको लिख लेना अच्छे से। तो अलकनंदा और प्लस पिंडर, पिंडर इन नदियों के मेल से क्या बन जाता है? कर्ण प्रयाग। अब देखिए यहाँ पर एक जगह है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से एक नदी इस तरीके से आकर यहाँ मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग कौन से होते हैं? रुद्र प्रयाग। यह कौन सा हो गया? कर्ण प्रयाग। और ये कौन सा हो गया आपका? रुद्र प्रयाग। और ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी आके मिलती है कहाँ पर? रुद्र प्रयाग। तो यहाँ लिख देते हैं रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग में आके कौन सी नदी मिलती है? यानी कि अलकनंदा और प्लस, अलकनंदा और प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। तो इस तरीके से पहले प्रयाग हम, तो एक बार अपने प्रयाग को देख लीजिए इनको कि क्या है आपका। पहले अगर हम बात करें तो पहला प्रयाग जो है वो कौन सा है हमारा? देव प्रयाग है, अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है इसमें। फिर उसके बाद विष्णु प्रयाग है, उसके बाद में क्या है हमारा? विष्णु प्रयाग है, ठीक है। विष्णु प्रयाग में जो है अलकनंदा और धौली गंगा आके मिलती है, ठीक है, धौली गंगा मिलती है। उसके बाद में नंद प्रयाग है, और नंद प्रयाग जो है कहाँ पर है आपकी? नंदाकिनी है, ठीक है, नंदाकिनी अलकनंदा। कर्ण प्रयाग है पिंडर। रुद्र प्रयाग जो है वो आपके अलकनंदा और मंदाकिनी है, ठीक है। इस बात को समझ गए हैं, चलिए इसको देख लेते हैं मैं एक बार। ये जो अगर आपको यहाँ नाम अगर स्पष्ट नहीं दिख रहे हो, क्योंकि मैप ड्रॉ करना है इसलिए साफ साफ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? रुद्र प्रयाग है। रुद्र प्रयाग, ये क्या है आपका? रुद्र प्रयाग। ये हमारा जो है वो क्या है हमारा? ये है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, कर्ण से लिख देंगे। यहाँ पर जो है आपका ये जो है ये आपका क्या है? कर्ण प्रयाग। नंदाकिनी के ये है नंद प्रयाग। क्या है आपका? नंद प्रयाग। ये क्या है आपका? नंद प्रयाग। ये आपका विष्णु प्रयाग है, यहाँ पर ये रुद्र प्रयाग हो गया। तो इतनी बात हमारी यहाँ से हो चुकी है क्लियर, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी आगे जाकर गढ़वाल वाले एरिया में तो इसको गंगा नाम दे देते हैं। जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए इस वाली लाइन को जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि मेजर लाइन तो यही है ना, मेजर लाइन तो यही है आपकी, ठीक है, मेजर लाइन तो यही है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये आपकी नदी यहाँ तक आ चुकी है, इसके आगे अगर लेके जाते हैं तो ये आपका एक थोड़ी सी आगे जगह आती है, यानी कि एंटर करती है ये यहाँ। तो यहाँ पर एक जगह है आपका गढ़मुक्तेश्वर। क्या है? गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है। कौन सी जगह है? गढ़मुक्तेश्वर। तो यूपी में एंटर कर चुकी है, ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर। इसके बाद में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, इसके बाद में चलो इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, तो इसके आगे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका एक जगह है कन्नौज। कौन सी जगह है ये आपकी? कन्नौज। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्या जगह है ये? कन्नौज। तो ऊपर जो है गढ़मुक्तेश्वर, नीचे क्या है आगे इसके क्या है? कन्नौज, ठीक है। अब कन्नौज में यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर जगह है यूके में, यूके में यानी उत्तराखंड में एक जगह है, और इस तरीके से यू टर्न लेकर एक नदी आके मिल जाती है। यू टर्न आकर लेकर एक नदी मिल जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका कौन सी? रामगंगा, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा नदी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता कि भारत की बावलसर गंगा की सबसे पहली सहायक नदी जो है वो कौन सी है? तो वो आपकी आ गई रामगंगा, ठीक है। तो रामगंगा जितनी भी ऊपर लिखूंगा नदियाँ वो क्या होंगी हमारी? वो सारी नदियाँ जो होंगी जो ऊपर लिखी जाएंगी वो नदियाँ सारी क्या होंगी? वो होंगी हमारी लेफ्ट यानी बाएँ हाथ बाएँ नदियाँ, और नीचे जो आएंगी वो आएंगी दाएँ हाथ की नदियाँ, ठीक है, दाएँ पर नदियाँ। तो यहाँ पर जो आपके ये जो यू टर्न लेती है ये कहाँ पर लेती है? ये लेती है बिजनौर में। कहाँ पर लेती है ये? बिजनौर में लेती है। बिजनौर में भी कहाँ जगह है? कालागढ़। कहाँ पर? बिजनौर में भी, कालागढ़ में लेती है, ठीक है। बिजनौर में भी कहाँ पर लेती है ये यू टर्न? ये लेती है कालागढ़ में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा, और नहीं किया होगा तो दोबारा से आप वीडियो पोस्ट करके यहाँ से रोक सकते हो, लिख सकते हो। इसके आगे जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब इसके आगे थोड़ी सी नदी आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर एक जगह है
यहाँ पर एक जगह है जिसे हम कहते हैं प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज यानी कि संगम, त्रिवेणी संगम जिसे कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक जगह दिखती है जिसे हम कहते हैं बंदरपुंच, बंदरपुंच यानी कि यमुनोत्री भी कह सकते हैं, यमुनोत्री भी कह सकते हैं। और यहाँ से एक नदी इसके समीपतम बहती हुई, इसके समीपतम बहती हुई बहती हुई बहती हुई और आकर यहाँ आकर मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं यमुना। कौन सी नदी है ये? यमुना। तो क्वेश्चन आपका बन गया कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो है यमुना। ठीक है, गंगा की सबसे सहायक लंबी सहायक नदी कौन सी है, वह यमुना। चलिए, तो अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ एक जगह देखते हैं, यहाँ पर क्या है, इटावा। यहाँ पर क्या है, इटावा। अब इटावा में क्या होता है कि यहाँ से एक आपकी एमपी में एक जगह है आपकी, यहाँ पर क्या है, एमपी, एमपी में एक जगह है जहाँ पर इंदौर है, एमपी में एक जगह है इंदौर। ठीक है, इंदौर में यहाँ पर एक जनापाऊ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? जनापाऊ, जनापाऊ, जनापाऊ पहाड़ी है। और यहाँ से एक नदी आकर यहाँ पर मिल जाती है जिसका नाम है चंबल। क्या नाम है? जिसका नाम है चंबल। ठीक है, तो देखिए यमुना यहाँ देख लीजिए, अब जरा गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? वह आपकी चंबल। ठीक है, चंबल, यमुना की सहायक नदी कौन सी हो गई है? वो चंबल हो चुकी है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ काकरी बाड़ी एक जगह है, यहाँ पर काकरी बाड़ी, काकरी बाड़ी एक जगह है, यहाँ से एक नदी निकलती है और होती हुई यहाँ पर इसमें नदी में मिल जाती है। कौन सी में? चंबल में मिल जाती है। इसका नाम जो है वो क्या नाम है? इसका नाम है छिप्रा। क्या नाम है इसका? छिप्रा नाम है। तो सबसे पहले समझ लीजिए मध्य प्रदेश का जगह है, जनापाऊ की पहाड़ी है और यहाँ से एक नदी निकल जाती है चंबल। ठीक है, फिर इसके पास में काकड़ाबाड़ी एक जगह है, वहाँ से एक नदी निकल जाती है, इसका नाम कहते हैं छिप्रा, उज्जैन के पास। उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उज्जैन जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अब इसकी चंबल की भी सहायक नदी कौन सी हो चुकी है? चंबल की सहायक नदी हो चुकी है छिप्रा। ठीक है, चंबल की सहायक नदी हो चुकी है छिप्रा। अब देखिए इन दोनों से क्वेश्चन बन जाता है, या इससे चंबल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि चंबल जो जानी जाती है वो किसके लिए जानी जाती है? चंबल जो जानी जाती है वो किस क्षेत्र के लिए, किस चीज़ के लिए जानी जाती है? तो मैं आपको बताता हूँ, चंबल जो जानी जाती है वो अपरदन के लिए जानी जाती है, मृदा अपरदन के लिए। ठीक है, तो देखिए अपरदन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? अपरदन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा नालीदार, नालीदार अपरदन, एक तो होता है नालीदार अपरदन और एक होता है परतदार अपरदन, परतदार अपरदन। तो अब चंबल में जो होती है वो कौन सी होती है? नालीदार अपरदन होता है। ठीक है, चंबल में जो होता है, चंबल नदी जो जानी जाती है वो किस अपरदन के लिए जानी जाती है? नालीदार अपरदन के लिए जानी जाती है। चंबल नदी जानी जाती है वो नालीदार अपरदन के लिए जानी जाती है। और इस क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्रों को कहा जाता है बीहड़। क्या कहा जाता है? बीहड़। ये वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी में के अपरदन वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, बीहड़ क्षेत्र। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें घड़ियाल की घड़ियाल की संख्या क्या होती है? घड़ियाल, घड़ियाल। तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि अगर आपको घड़ियाल देखने हो, अगर आपको घड़ियाल देखने हो तो आपको किस नदी में ज़्यादा, मतलब किस नदी में कुछ में जाना पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊँ, घड़ियाल के लिए अगर आपको है तो चंबल नदी घड़ियाल के लिए आपको जानी जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ समझ में आ गई है, यानी कि गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल, चंबल की सहायक नदी छिप्रा। ठीक है, चंबल नदी जो है वो मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है। और मृदा अपरदन जो है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। मृदा अपरदन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है नालीदार अपरदन, एक होती है परतदार अपरदन। तो चंबल नदी में जो होती है वो कौन सी होती है? नालीदार अपरदन होता है। चंबल नदी में जो होता है नालीदार अपरदन होता है, और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है उस क्षेत्र को। ठीक है, और इसमें क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। ठीक है, इतना पता चल गया है। चलिए इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं कि और क्या कंडीशन यहाँ बनने वाली है हमारी, और क्या कंडीशन हमारे बनने वाली है। चलिए इसके बाद में एक आपकी विंध्या पर्वत है, यहाँ पर एक जगह है विंध्या पर्वत, यहाँ पर एक जगह है जिसे हम कह सकते हैं विंध्या पर्वत, विंध्या पर्वत। और यहाँ से एक नदी जाकर और यहाँ के मिल जाती है, यहाँ पर एक आकर नदी मिल जाती है जिसका नाम जो है, इस नदी का जो नाम है वो है बेतवा। इस नदी का जो नाम है वो क्या नाम है? बेतवा इस नदी का नाम है। और यहाँ क्या है? ये जो है आपका हमीरपुर है, जगह हमीरपुर। ठीक है, यूपी में एक जगह पड़ती है हमीरपुर। तो हमीरपुर में आकर कौन सी नदी मिल जाती है? बेतवा नदी। ठीक है, विंध्या पर्वत से इसका उद्गम होता है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसके बाद में एक आपके कैमूर की पहाड़ी है, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कैमूर की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकल के जाती है और ये आके यहाँ पर बांदा, बांदा में जाकर मिल जाती है।
इसका नाम जो है वो आपका है केन, ठीक है। एक टोंस नदी भी है जो इसकी सहायक नदी, मगर फिलहाल में आपको इतनी याद रखनी है, फिलहाल में आपको याद रखनी है इतनी, ठीक है। यानी कि पहले जनाबाऊ पहाड़ी, ठीक है, और फिर काकरावाड़ी, ठीक है, यहाँ तक, फिर जब विंध्या पर्वत से निकलती बेतवा हमीरपुर मिल जाती है, कैमूर की पहाड़ी, केन निकलती है और बांदा यहाँ से पहुँच जाती है, ठीक है। तो आपका इतना मैप तो आपको क्लियर हो गया, इतने मैप आप यहाँ से अभी कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आगे देखते हैं कि इससे आगे क्या है। इससे आगे जब थोड़े से आगे चले, इससे थोड़ा आगे चले तो यहाँ पर एक जगह आती है जिसे हम कहते हैं गाजीपुर। क्या कहते हैं? गाजीपुर। एक जगह है यहाँ पर गाजीपुर, ठीक है। क्या है आपके? गाजीपुर, ठीक है। अब यहाँ पर एक जगह है पीलीभीत। कौन सी जगह है? पीलीभीत, पीलीभीत। और यहाँ से एक नदी आके निकलती है और आके यहाँ गाजीपुर में मिल जाती है पीलीभीत से। अब पीलीभीत में भी जगह है फुल्लर झील। कौन सी? फुल्लर झील। एक जगह है आपकी कौन सी? फुल्लर झील। यहाँ से पीलीभीत से आके निकलती है और आके कहाँ मिल जाती है? गाजीपुर में आके मिल जाती है। और इसका नाम जो है वो है गोमती। क्या है इसका नाम? गोमती, ठीक है। जौनपुर लखनऊ इसी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ये पहली नदी ऐसी है जिसका उद्गम धरातल से होता है। पहली नदी ऐसी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? धरातल से। कौन सी नदी है? ये पीलीभीत से होकर निकली है, गोमती नदी है, और फुल्लर झील है, ठीक है। हाँ, सोच रहे धरातल से होने वाली पहली नदी है ये जो गंगा में आकर मिलती है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी सी आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक जगह है छपरा। छपरा कौन सी जगह है? ये आपकी है छपरा। छपरा मतलब कि बिहार में, ठीक है। छपरा कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ से। ये सब उत्तराखंड के साइड से आएगी यहाँ से, ऐसा मान लीजिए उत्तराखंड वाला एरिया है, क्योंकि घूम के आएंगे ना ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से एक, और एक आपकी इस तरीके से, ये दो नदी मिलकर आई, ठीक है। दो नदी मिलकर आई, एक को हम कहते हैं, हम कहते हैं शारदा नदी। इसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, तो थोड़ा मैं आपको इस तरीके बता दूँ कि यहाँ से देख लेना आप थोड़ा, ठीक है। चलो फुल्लर झील को थोड़ा इधर थोड़ा करके लिख देता है, फुल्लर झील, फुल्लर झील लिख देंगे। अब यहाँ पर एक नदी आई है जिसका हम कह सकते हैं शारदा, शारदा। और एक यहाँ से नदी आती है, एक नदी यहाँ से उद्गम होती है जिसको हम कह सकते हैं घाघरा। क्या कह सकते हैं? घाघरा कह सकते हैं। और ये नदी एक और एक नदी आपकी है, दोनों आके कहाँ मिल जाती है? बाराबंकी में आके मिल जाती है। दोनों नदी कहाँ आके मिल जाती हैं? बाराबंकी में। बाराबंकी में कहाँ पर आके मिल जाती हैं? बाराबंकी में। बाराबंकी में आके नदी दोनों मिल जाती हैं। और इसके बाद में आगे आकर ये नदी जो है इस माँ के मिल जाए छपरा। और इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम जो है वो है घाघरा। घाघरा इस नदी का क्या नाम है? घाघरा। अब देखो शारदा नदी जो है उसे काली नदी भी कहते हैं। मिलाप ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यानी कहाँ से उसका उद्गम होता है शारदा का? मिलाप ग्लेशियर से। इसको लिख लेना आप, कहाँ से होता है उसका उद्गम? मिलाप ग्लेशियर से होता है। और घाघरा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? उसका घर का होता है भारचा चुंग ग्लेशियर से इसका होता है उद्गम, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक जगह है जिसे हम कह सकते हैं पटना। कौन सी जगह है यहाँ पर? थोड़ी सी ऊपर चलेंगे तो क्या है? पटना, ठीक है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, यहाँ पर मध्य प्रदेश अमरकंटक है, अमरकंटक, ठीक है। अब यहाँ जो जाती है नदी, ये तो चली जाती है नर्मदा। यहाँ कौन सी नदी निकल जाती है? यमुना। और यहाँ से चली जाती है नदी और वो आके इसमें मिल जाती है, इसको कहते हैं सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी, ठीक है। तो ये सोन नदी चली जाती है। अब देखो इधर से जो आके मिलती है, तो पटना में कौन सी मिलती है? सोन नदी मिलती है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जगह है जिसका हम कह सकते हैं सोनपुर। कौन सी जगह है ये? ये सोनपुर है। और सोनपुर में आपको नेपाल बॉर्डर से एक निकल कर आती है नदी, यहाँ पर, यहाँ पर नेपाल बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, नेपाल बॉर्डर से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है गंडक। गंडक एक नदी आके निकलती है गंडक, और कहाँ आके मिल जाती है? ये आके मिल जाती है सोनपुर, ठीक है। ये आपको मिल जाती है सोनपुर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक जगह है कुरसैला। यहाँ पर एक जगह है, इसके आगे अगर आप करते हैं तो यहाँ पर एक जगह है, चलो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ी कर देता हूँ जिससे कि आपको मेजर जो ट्रिब्यूटरी है वो दिखती रहे, मेजर जो है वो दिखती रहे कि कौन सी गंगा चल रही है, ठीक है, कौन सी जो है आपकी नदी गंगा चल रही है। तो इस तरीके से गंगा की धारा है। अब यहाँ पर एक जगह है कुरसैला। कुरसैला कौन सी है? कुरसैला एक जगह है, ये कुरसैला,
ठीक है, कौन सी जगह है? कुरसैला जगह है। कुरसैला एक जगह है जहां पर ये स्थान है, ठीक है, बिहार में ही है कुरसैला भी, ठीक है। अब क्या होता है यहां से, यहां पर आपको मैं अगर चलूँ तो देखिए एक जगह ये है, ये एक स्थान है, ठीक है, ये एक स्थान है जिसको हम यहाँ कह सकते हैं गोसाई धाम। का क्या है इसका नाम? गोसाई धाम, गोसाई धाम, गोसाई धाम इसका नाम है। अब देखिए चार चार धाराएं तो इधर निकल जाती हैं और तीन धारा इधर, तो इसे सप्तधारा नदी भी कहते हैं, सप्तधारा नदी भी कहते हैं। और कौन सी नदी है ये आपके आपकी यहां पर है कोसी, कोसी नदी, ठीक है। कहां से निकलती है? गोसाई धाम से निकलती है नेपाल के पास से, गोसाई धाम से निकलती है नेपाल के पास से, कोसी नदी है। और कहां के मिलती है? कुरसेला में मिलती है बिहार में। इसे बिहार का सोख भी कहते हैं, इसे सप्त धारा नदी भी कहते हैं, सप्त धारा नदी भी कहते हैं इसको। अब जो भारत में आई हैं वो तीन नदियां आई हैं जिनका नाम है अरुणा, सन और तामूर। अरुणा, सन, तामोर, ये तीन धारा जो है भारत में आई है, और जो चार धारा है वो नेपाल की तरफ चली गई। इस वजह से कहते हैं सप्त नदी, ठीक है। ये जो है भारत, बंगाल की शोक कहा जाता है इसको, बंगाल की शोक सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली भी नदी इसको कहा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी इसको कहा जाता है। चलिए इसके आगे अगर थोड़ी सी चलती है तो यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर एक जगह है जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक जगह है जिसको हम कह सकते हैं गोदावरी घाट। गोदावरी घाट क्या कह सकते हैं इसको? गोदावरी घाट, गोदावरी घाट कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? गोदावरी घाट। और यहाँ पर दार्जिलिंग वाले क्षेत्र से, कौन सा? दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है। और यहां से एक नदी आके निकलती है जिसे हम कहते हैं महानदी, महानंदा, महानंदा, क्या कहते हैं? महानंदा नदी कहते हैं। कौन से कहते हैं? महानंदा नदी कहते हैं। और ये आपको कहाँ मिल जाती है? यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी इसकी अभी सहायक नदियाँ, ठीक है। अब आगे आप देखते हैं कि इसके बाद में एक तो क्षेत्र चला जाता है इसका इधर, ठीक है, एक चला जाता है आपका इधर। तो ये जो गई है आपको कोलकाता, कोलकाता चली गई है, और इसका नाम पड़ गया है हुगली। इसका नाम क्या हो गया है? हुगली, ठीक है। ये जो है आपकी ये पद्मा, पद्मा, और कहाँ चली गई है? बांग्लादेश में। कहाँ पर आ गई है? बांग्लादेश में, ठीक है। कहाँ आ गई? बांग्लादेश। अब यहाँ से एक जमुना की नदी मिल जाती है, और इसका बाद में क्या नाम पड़ जाता है? मेघना नाम पड़ जाता है, मेघना इसका नाम पड़ जाता है। तो ये आपकी जो है गंगा की, अभी जितना भी क्षेत्र में इससे कवर किया गया है, मैंने आपको कोशिश की है कि पूरे क्षेत्र को कवर करने की, ठीक है। चलिए इतना हमने बता दिया है, इसके बाद में अभी थोड़ा सा है, एक बार इसको मैं आपको देख लीजिए, उसके बाद में जब हम इसको एक बार और समझाते हैं आपको, ठीक है। आपने जहाँ जहाँ भी मिस्टेक करी होगी इस मैप को बनाने में, ठीक है, उसको हम देखते हैं क्या है, ठीक है। इसको देखते हैं कि हम किस तरीके कर रहे हैं। वैसे तो आपको सही दिख रहा होगा क्योंकि इस पर आप वीडियो की अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना, और जब जब मैं आपको इन स्थानों के नाम बोलूं आप इन स्थानों के नामों को अच्छे तरीके से ऐड करते रहना, ठीक है। इन स्थानों के नामों को जो है आप आराम से ऐड करते रहना, ठीक है। चलिए तो एक बार शुरू से बताते हैं इसके बारे में, ठीक है, मैप के बारे में बताते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सत्तपद ग्लेशियर से एक धारा निकल गई है जिसको अलकनंदा कहते हैं, गंगोत्री से एक धारा निकल गई है जिसको हम भागीरथी कहते हैं। दोनों धारा आई और दोनों धारा देवप्रयाग में आकर मिल गई, और इसी का नाम यहाँ से क्या पड़ा है? यहाँ से इसका नाम क्या पड़ गया है? गंगा, इसका नाम यहाँ से पड़ गया है। यहाँ से क्या है? हरिद्वार के मैदानी भाग से इसका नाम गंगा पड़ गया है। आगे जाते हैं अलकनंदा में एक जगह पड़ती है, यहाँ पर ये धौली गंगा आके निकलती है और विष्णुप्रयाग में आके मिलती है। तो अब अलकनंदा और धौली गंगा दोनों कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में। फिर एक नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी और अलकनंदा दोनों कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में, ठीक है। एक नदी है पिंडर, पिंडर और अलकनंदा दोनों मिलकर क्या बनाती है? कर्णप्रयाग, ठीक है। यहाँ पर एक मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी यहाँ के निकल पाती है, यहाँ पर आकर एक जगह है रुद्रप्रयाग, यहाँ पर आकर बना देती है आपको, मतलब मिल जाती है इसमें। इसके अगर मैं चलूँ तो फिर ये एंटर करती है यूपी में, और यूपी कौन सी जगह है? गढ़मुक्तेश्वर में। कहाँ पर है? गढ़मुक्तेश्वर में ये आकर मिलती है। उसके बाद में थोड़ी सी आगे चलना कन्नौज, यानी कि भारत में गंगा नदी का जो मतलब गंदगी होती है या प्रदूषण होता है ज़्यादा, वो कन्नौज से शुरू होता है, कन्नौज से शुरू होता है, ठीक है। अब कन्नौज से यहाँ से होता है, यहाँ पर एक उत्तराखंड की जगह है, उत्तराखंड में जगह है रामगंगा निकलती है यहाँ से, अब बिजनौर के कालागढ़ में एंटर होते हुए और आकर यहाँ पर आपको मिल जाती है, कहाँ पर? कन्नौज में, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्रयागराज आता है। अब ये कहाँ से? सहारनपुर, दिल्ली और आपके मतलब आगरा मथुरा के रास्ते होते हुए फिर कहाँ से आती है? यमुना नदी है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, या बंदरपुंच की पहाड़ी भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? बंदरपुंच, बंदरपुंच पहाड़ी,
ठीक है, बंदरपुंज की पहाड़ियों से भी ये उद्गम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर है यमुना नदी, बंदरपुंज इटावा एक जगह है, यहाँ पर जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है, काकरी पहाड़ी से छिपरा नदी निकलती है, उज्जैनी से ये किनारे बसा हुआ है, दोनों आकर मिलकर इटावा मिल जाती है। यहाँ पर विंध्या पर्वत श्रेणी है, ठीक है, यहाँ से बेतवा नदी निकलती है और आकर हमीरपुर में मिल जाती है, कैमूर की पहाड़ी है नीचे और यहाँ से केन नदी निकलती है और बांदा में जाकर मिल जाती है, और ये सारी नदियों का पानी लेकर कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या होता है, इसके बाद में गाजीपुर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गाजीपुर यहाँ एक फुल्लर झील है, क्या नाम है इसका, फुल्लर है ऊ ले फुल्लर झील, ठीक है, पीलीभीत से निकलती है और कौन सा नाम है, गोदावरी, यहाँ पर लखनऊ और जौनपुर इसी के किनारे बसे हुए हैं, लखनऊ और जौनपुर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, गाजीपुर में आके मिल जाती है। गाजीपुर में क्या है, अफीम फैक्ट्री, गाजीपुर में क्या है, अफीम फैक्ट्री, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, अफीम फैक्ट्री, अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में, ठीक है, अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में इसलिए जानी जाती है। इसके बाद में आगे जाते हैं छपरा, यहाँ पर शारदा, शारदा नदी निकलती है जिसे काली भी कहते हैं, यहाँ पर घाघरा, घाघरा नदी जो है इसे घाघरे कहते हैं, दो नदी आके मिलकर बाराबंकी मिल जाती हैं, अब बाराबंकी के नाम से घाघरा नाम लेकर यह आगे जाकर छपरा मिल जाती है। यहाँ पर अमरकंटक की नदी, अमरकंटक पहाड़ी है और यहाँ से नर्मदा निकल कर चली जाती है नीचे, और यहाँ सोन नदी निकल कर पटना में आकर मिल जाती है। ठीक है, अब नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर से गंडक नदी निकल कर आती है सोनपुर में आकर, यहाँ पशु सबसे बड़ा पशु मेला, यहाँ सोनपुर में क्या होता है, सोनपुर में क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पशु मेला होता है, सबसे बड़ा पशु मेला होता है सोनपुर बिहार में, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, अब यहाँ पर एक आगे नदी है कोशी नदी, से सप्त धारा नदी कहते हैं, कौन सी कहते हैं, सप्त धारा, चार धारा बाहर चली जाती है नेपाल की तरफ, गोसाई धाम से उद्गम होता है, एक तो अरुणा धाम असन और एक तमुग, ये तीन धाराएं जो है मिलकर आपकी कोशी नदी का रूप लेकर यहाँ आती है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी और बंगाल का शोक कहने वाली नदी, इसी को कहते हैं कुरसेना में। ठीक है, यहाँ पर एक फरक्का जगह है या गोदावरी घाट कह सकते हैं इसको, और यहाँ से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक महानंदा नदी निकल कर आती है और आकर यहाँ मिल जाती है, और इसके आगे चल के थोड़ा सा आगे चल के जो है ये दो नदी है, दो धाराओं बढ़ जाती है, और यहाँ पर क्या है, सुंदरबन डेल्टा, इसे हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा इसको हम कहते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा इसको कहते हैं, यहाँ पर पद्मा नाम लेकर आ जाती है। ठीक है, पद्मा नाम लेकर आ जाती है और इधर जो है हुगली नाम लेकर पड़ जाती है, और जैसे ये जमुना आके मिलती है, जमुना, जमुना को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, ये ब्रह्मपुत्र है, जब हम आके पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र पढ़ाएंगे। ठीक है, और आके इसमें मिल जाती है और ये फिर बंगाली खाड़ी में अपना जल जो है गिरा देती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर दोस्तों आपको भी यहाँ पे भी अभी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। वैसे फिलहाल में कोशिश ये की गई है कि आपको सारा डाटा जो है ये अच्छे तरीके से समझाया जाए, और इतने अच्छे तरीके से मैंने स्थानों को, धाराओं को, इसकी नदियों को, सहायक नदियों को, सबको हमने यहाँ पर क्लियर किया है। ठीक है, तो लगे रहिए, अब आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमको लाइक कर दें, और जो भाई हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाला वीडियो जो है हमारा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे टाइम जो है वो बिल्कुल यही रहता है कि हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा डाटा अपलोड कराएं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल शेयर करना है अपने दोस्तों में, और क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ ऐसी सुविधाएँ नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो उनको भी आप ये बताएंगे कि भाई देखिए, कंपटीशन के इतिहास में भोकाल मचाने के लिए एक चैनल आ चुका है। ठीक है, और उसमें आपका जो वो आपसे हुबहू जो होते हैं वो हम आपसे हुबहू होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर डाटा अच्छा मिल रहा हो तो उसके लिए लाइक तो ज़रूर बनता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनते हो, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आदमी जब सुबह को उठता है तो उसके पास 4 बजे जब उठता है ना कोई आदमी, तो उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं कि मैं क्यों उठाऊँ। तो वो ये हो सकता है कि जो मेरे कंपटीशन में है बंदा, तो शायद वो सो रहा होगा, अगर सो रहा होगा तो इसका मतलब मैं पढ़ूँ और मैं उसका कंपटीशन से आगे निकल जाऊँ। दूसरा मन में विकल्प जो आता है वो क्या आता है कि शायद वो भी पढ़ रहा हो, जब वो पढ़ रहा हो तो उससे आगे निकलने के लिए जो है हमें और पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों कंडीशन में पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़ने का मतलब क्या है कि आप अगर इतने अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फिर आपको केवल चित्र देखो और क्वेश्चन निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।